हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, कल मैंने कुछ मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट बताया था, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में आज बिहेव किया, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट बताया था मैंने और सपोर्ट पॉइंट, तो मार्केट ने 17,536 को खुलते ही ओपन ही खुल के हुआ, और ये नेक्स्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, और एंड एंड ऑफ द डे उसे ब्रेक करके 17,680 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया, और ये सारा दिन उसी में रहा, जो कि ये दिखा रहा है यहाँ पे। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कुछ अपडेट, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। मैंने शेयर किया था, मेरा आईवी डाटा नॉट अवेलेबल था ब्रोकर की साइड से, बट मैंने ये बता दिया था कि निफ्टी इस इंडिकेटर इसको डिक्रीज हो रहा है, और मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया, और मैंने बताया नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया था, और ये मैं बताया था कि ट्रेड मत करना आज, ये मेरी ओपिनियन थी मार्केट को लेकर। आप ये देख सकते हैं आज मार्केट सारा दिन गैप अप खुला, इतना इतने पॉइंट बढ़ा हुआ है, पर मार्केट तो भी डाउन ट्रेंड में था, मार्केट का डायरेक्शन अप नहीं था, डाउन था, जैसा कि निफ्टी स्कोर इंडिकेटर ने बता दिया था कि ऐसा रहेगा। दोस्तों, ये कुछ अब पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया 17,680 को, तो ये कल इस मार्केट की रेंज रह सकती है। एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 17,536, और एक ये 17,680, जिसको ब्रेक करके नीचे आया तो इसी रेंज के नीचे रहने की मार्केट की संभावना है। और ये थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन चेन यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है, कॉल लेटर लगभग आधे पोजिशन क्लोज कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजिशन बना रखी है, यहाँ भी ये ज़्यादा पोजिशन नहीं बनी, मतलब कॉल लेटर को नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगी, और पुट राइटर ने यहाँ पे पोजिशन बना रखी है तो इनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। ये देख लीजिए, इन द मनी में ये पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर। और ये थोड़ा ये मेरा डेस्कटॉप पर सेटअप है, ये इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या है, पुट कॉल रेशियो है जो है 1.17% है, इसके अकॉर्डिंग मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, और ये मैक्सिमम ओपनर्स के अकॉर्डिंग बता रहा है कि बेयरिश ट्रेंड है, और मैक्सिमम चेंज इन ओपन अकॉर्डिंग भी बेयरिश ट्रेंड बता रहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने लायक है कि ये बता रहा है हाइएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में 17,500 पे है, और हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में वो 17,700 पे है, तो मार्केट मतलब 17,700 से 17,500 की रेंज में कल जा सकता है, जैसा कि हमने अभी चार्ट पे भी देखा था, देख लीजिए 700 से लेकर 500 के बीच में इसी के अंदर ट्रेड कर सकता है, तो आप इसके अंदर ये ट्रेड कर सकता है कल मार्केट, तो आप जो भी ट्रेड लें इसको सोच समझ के लें। ये इसका सेटअप है, और इसमें भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, इसमें जैसे ऑप्शन चेन दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से पोजीशन क्लोज हो रही है, यहाँ पे पोजीशन बन रही है इन द मनी में, यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने की संभावना है, इसके अकॉर्डिंग पुट कॉल रेशियो भी 1.17 है, ये चार्ट है, इसे भी देखिए पुट राइटर उनकी पोजीशन ज़्यादा है यहाँ पे, अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ओपन डेस्ट है, ये वॉल्यूम का डाटा है, इसके अकॉर्डिंग कल मार्केट रेंज बाउंड रहने की आशंका है। बाकी की अपडेट में अपने निफ्टी स्कोर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग
बाकी की अपडेट मैं वहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो आप कोटेक सिक्योरिटी में अपना अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें फ्री इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप वहाँ पर जाकर चेक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।